हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल जगत से आ रही तीन बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर आ रही क्रिकेट के लॉर्ड सचिन तेंदुलकर की तरफ से। सचिन ने कल इस साल होने वाले आईपीएल और आईसीसी वर्ल्ड टी20 के बारे में कुछ बयान दिए। सचिन ने कहा वो अभी सिर्फ इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि क्रिकेट जल्दी से स्टार्ट हो जाए, बाकी कोई टूर्नामेंट तो दूसरी बात होने वाला है। सचिन ने कहा कि आईसीसी वही निर्णय लेगी जो क्रिकेट के लिए अच्छा होगा और बाकी सारे बोर्ड भी क्रिकेट की भलाई के लिए कोई भी डिसीजन लेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रार्थना यह होनी चाहिए क्रिकेट जल्दी स्टार्ट हो जाए और अगर आपको मौका मिलता तो आपको आईपीएल को भी करवाना चाहिए। आईपीएल एक काफी बड़ा टूर्नामेंट है लेकिन फिर भी क्रिकेट सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस साल के सारे फैंस के लिए। उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अगले साल आईपीएल हो जाएगा और आपको और भी काफी सारे टूर्नामेंट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। उन्होंने कहा कि अगर बाय चांस इस साल आईपीएल नहीं भी होता है तो क्रिकेट फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट स्टार्ट होगा सबसे अच्छी बात होने वाली है और अगले साल आईपीएल जरूर से हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि क्या आप सचिन की राय से सहमत हो या फिर आप सहमत नहीं हो। मेरे हिसाब से सचिन ने काफी जबरदस्त बात कही इस साल क्रिकेट फैंस के लिए। अगली खबर आ रही है इंडिया और केकेआर के लेग स्पिनर कुलदीप यादव की तरफ से। कुलदीप यादव ने कल केकेआर को एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने यह बात बताया कि वो इस साल के आईपीएल के डिले होने से काफी ज्यादा निराश हैं। कुलदीप ने कहा वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इस साल वो आईपीएल के अंदर काफी अच्छा खेल के दिखाएंगे। पिछले साल कुलदीप का बिल्कुल अच्छा नहीं रहता आईपीएल के अंदर, तो इस साल उम्मीद कर रहे थे वो अच्छी वापसी करेंगे केकेआर के लिए और वो काफी अच्छी विकेट निकाल के देंगे। केकेआर उन्होंने ये बात पक्का करी कि अगर आईपीएल होता तो जरूर से काफी अच्छा खेलेंगे इस साल के आईपीएल के अंदर। और उन्होंने ये भी बात बताई कि जब वो नए आईपीएल के अंदर आए थे तो गौतम गंभीर ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, गौतम गंभीर की कप्तानी में खेलने में काफी ज्यादा मजा आया और गौतम गंभीर एक काफी सपोर्टिव कप्तान थे और आज तक उनको भी एडवाइस देते हैं फोन के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरे करियर के अंदर गौतम गंभीर का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। और आखिरी खबर आ रही जसप्रीत बुमराह की तरफ से। जसप्रीत बुमराह ने यह बात बताई कि उनको आईपीएल की वजह से इंडियन टीम में जगह नहीं मिली। जसप्रीत बुमराह के हिसाब से उन्होंने आईपीएल के अंदर 2013 में डेब्यू कर लिया था, वहीं वो इंडियन टीम के अंदर 2016 में मौका मिला। उन्होंने कहा कि 2015 में जो उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खेला इस वजह से मौका मिला इंडियन टीम के अंदर। उन्होंने अपील करी यूथ से कि आप आईपीएल के अलावा डोमेस्टिक के अंदर भी ध्यान दो, अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आप आईपीएल में अच्छा खेलोगे और इस वजह से आपको इंडियन टीम में भी जगह मिल जाएगी। काफी अच्छा बयान दिया जसप्रीत बुमराह ने इस साल के आईपीएल के लिए खुद के करियर के बारे में भी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।